हेलो फ्रेंड्स, आखिर लोग प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों करते हैं, क्या रीज़न है? प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है कि किसी काम को बेवजह बहुत दिनों तक टालना और सब कुछ होते हुए भी उस चीज़ में एक्शन नहीं ले पाना। प्रोक्रेस्टिनेशन का मेन रीज़न होता है, हमारे अंदर दो तरह के लोग रहते हैं। नंबर वन, उसमें से उसका नाम है ड्रीमर। इसका काम है लोगों को ड्रीम्स दिखाना। जैसे कोई व्यक्ति है, उसके अंदर से आवाज़ आएगी कि उसे वेट लॉस करना है, या किसी को बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करना है, किसी को अच्छी जॉब चाहिए, किसी को बहुत बड़ा घर चाहिए, किसी को बहुत फेमस होना है। तो ये सारे जो आवाज़ें हैं वो ड्रीमर से आती हैं। हमारे अंदर जो ड्रीमर होता है वो हमें ये सारे ड्रीम्स दिखाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि ड्रीमर्स हमें ड्रीम दिखा रहा है, प्रॉब्लम्स ये आती है क्योंकि हमारे अंदर सिर्फ ड्रीमर ही नहीं होता है, एक और चीज़ होती है, क्रिटिक। और सिर्फ अगर हमारे अंदर ड्रीमर ही होता तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं होता और कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती, बड़ी आसानी से हम अपने ड्रीम्स को पूरा कर लेते। लेकिन जो ये क्रिटिक होता है, ये ड्रीमर से काफ़ी अलग होता है। इसका मकसद है आपको रिस्क फ्री रखना, आपको अपने कंफर्ट जोन में रखना। वो बार बार ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या आप रिस्क फ्री हैं, क्या आप अपने कंफर्ट जोन में हैं, क्या आप पूरी तरह से सिक्योर्ड हैं। जब भी कोई इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश करता है या किसी चैलेंज को लेने की ट्राई करता है, तो ये तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। कभी आपने कभी रियलाइज़ किया है कि हमारे अंदर से कुछ आवाज़ें आती हैं जब भी हम कोई बड़ा काम या चैलेंजिंग काम जो हमारे कंफर्ट जोन से बाहर है उसको करने का ट्राई करते हैं, तो हमारे अंदर से कैसी आवाज़ें आती हैं? यू आर नॉट इनफ, आर यू वर्दी, आई एम नॉट इनफ। जो है वो भी चला गया तो ये काम बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा, मैं वर्थलेस हूँ, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर मैं रिजेक्टेड हो गया तो क्या होगा, आई एम नॉट प्रैक्टिकल, ये सही समय नहीं है, आई एम अनलकी, आई एम अनलव्ड, मुझे अभी थोड़ा और वेट करना चाहिए। क्या इस तरह की आवाज़ें कभी आपने सुनी हैं? ये हमारे अंदर का क्रिटिक है जो हमें बोलता है। कई लोग चाहते हैं कि नौकरी छोड़ के अपना पैशन फॉलो कर लें, बट ये आवाज़ जो है उनको रोक देती है, वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है और लोग एक्शन नहीं ले पाते हैं। लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं क्योंकि ये आवाज़ जो होती है लोगों को रोकती है, और यही वजह है ये लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। ये क्रिटिक आपको कंट्रोल करता है। तो क्या आप समझ गए कि लोग प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं और क्या रीज़न है प्रोक्रेस्टिनेशन का? थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल जिंदगी हटके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।